Rage on that beat, going crazy. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन जागरण हाईटेक। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और उस गाड़ी का जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो हमारे पास यहाँ आ चुकी है। दिस इज द ऑल न्यू एमजी हेक्टर प्लस। सिक्स सीटर वेरिएंट है ये एमजी हेक्टर का जो कि भारत में लॉन्च होने वाला है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द ऑल न्यू एमजी हेक्टर प्लस। पर इससे पहले हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मेन यूएसपी की बात करते हैं ऑन द हेक्टर प्लस जो कि है उसकी कैप्टन सीट्स। तीन रो ऑफ सीटिंग आपको देखने को मिलती है हेक्टर प्लस में एंड ऑफ कोर्स जो मेन सीटिंग है वो इसकी मिडिल रो में है जो कि कैप्टन सीट्स दी गई हैं। सिक्स सीटर ये है गाड़ी एंड ये कैप्टन सीट्स काफ़ी स्नग हैं, काफ़ी अच्छा आपको साइड सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसका आर्म रेस्ट भी काफ़ी अच्छा वेल पोजिशन है। मेरी हाइट 5'7" है तो मुझे काफ़ी सारा हेडरूम देखने को मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बेहतरीन है सीट में एंड कंफर्ट की अगर बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल फील ये देती है। तो वो लोग जो कि एक इनोवा क्रिस्टा ढूंढते हैं फॉर द कैप्टन सीट्स उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा एंड थोड़ा बहुत सस्ता भी रहेगा दैन द इनोवा क्रिस्टा। अच्छी बात ये भी है कि फ्लैट फ्लोरिंग दी गई है मिडिल सीट में तो काफ़ी सारा स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलता है। रेयर में आपको एसी वेंट्स भी दिए गए हैं और एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। कोई 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, यूएसबी रेयर सीट पे दिया गया है। बट ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, लेदर सीट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अप मार्केट है और काफ़ी प्लीजिंग है एंड आई थिंक वर्थ एवरी पेनी ऑफ दिस कार है। तो अभी के लिए हमने पैसेंजर सीट जो है पूरी पीछे कर रखी है तो काफ़ी लेग रूम है हमारे पास एंड ये सीट भी जो है फुल बैक पोजीशन में है। बट थर्ड रो के लिए इतना स्पेस नहीं होता अगर आप सब कुछ पीछे कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर मैं इसको आगे करूं तब भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है, काफ़ी रूम है यहाँ पे आराम से बैठने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, विंडोज़ भी काफ़ी बड़ी हैं एंड थर्ड रो को भी एक डिसेंट स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए। थर्ड रो सीटिंग की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक रूम मिलता है यहाँ पे, स्नग सी फीलिंग आती है। दो लोग अगर बैठेंगे तो थोड़ा चिपक के बैठेंगे बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इंडिविजुअल आपके एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छा एक यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है, बॉटल होल्डर भी दिया गया है, बट थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है। बट कंपेटिटर्स की भी अगर आप देखें, चाहे वो XUV500 हो या फिर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, उसकी भी थर्ड रो सामान्य ऐसी ही होती है जैसी आपको एमजी हेक्टर प्लस में देखने को मिलती है। बट यूटिलिटी वाइज अगर देखा जाए, अगर आपको बच्चों को पीछे बिठाना हो या फिर टीनेजर्स को पीछे बिठाना हो तो उनके लिए ये काफ़ी एक अच्छा इंडिविजुअलिस्टिक सा स्पेस रहेगा इनसाइड द होल कार व्हेन यू गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप। इंटीरियर्स की अगर बात करें तो एम जी हेक्टर प्लस में आपको काफ़ी अप मार्केट इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं। फिट एंड फिनिश हर चीज़ का काफ़ी बेहतरीन है। ड्यूल टोन आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है, एक बहुत अच्छी सीटिंग पे कलर देखने को मिलता है एंड ऑफकोर्स आपको एक बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है जो कि काफ़ी एयरी फील देती है इस कैबिन के अंदर। ऑफकोर्स टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका काफ़ी बड़ा है, थोड़ा टेस्ला की भी याद दिलाता है जस्ट लाइक द हेक्टर, पर उसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मजेज आते हैं तो एक डस्ट फ्री क्लॉथ लेके हमेशा घूमिए अपने साथ ताकि वो डिस्प्ले जो है एकदम क्लीन रहे। थोड़े बटन्स की कमी लगती है बट टच स्क्रीन यूज़र एक्सपीरियंस जो इसका है काफ़ी इंट्यूटिव है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ लेस है एंड इवन म्यूज़िक सिस्टम बाय इन्फिनिटी जो इसके अंदर देखने को मिलता है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। म्यूज़िक क्वालिटी भी काफ़ी उमदा दी गई है इस गाड़ी के अंदर। MG Hector जैसे कि कहा जाता था कि इंटरनेट इनसाइड है इस गाड़ी में, MG Hector प्लस में भी आपको आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी MG के द्वारा देखने को मिलती है। 55 से भी ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर और आपको काफ़ी सारी कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि ओवर द एयर अपडेट्स आपको मिलती हैं इसके सॉफ्टवेयर के लिए, गाना ऐप इंटीग्रेटेड है इसके अंदर, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं आप, वेलकम मैसेज आता है इस गाड़ी के अंदर, जियो फेंसिंग है, फाइंड माई कार है, रिमोट व्हीकल कंट्रोल है,
नेविगेशन है और ऐसे ढेर सारे अन्य फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को एक काफ़ी कनेक्टेड व्हीकल बनाता है इन द इंडियन मार्केट। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है 360 डिग्री कैमरा व्यू, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 6 एयरबैग्स, ESP, TCS, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिलती हैं और आपको ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं ऑन द MG Hector Plus। तो डिज़ाइन के मामले में MG Hector Plus जो है वो थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है MG Hector से। अगर दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि MG Hector आ रही है, पर Hector Plus में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं वो इसकी बड़ी क्रोम ग्रिल देखने को मिलती है, थोड़ी सी रीडिज़ाइन है ये। ऑफकोर्स LED DRLs भी इसमें ऑफ़र किए गए हैं, LED हेडलैम्प्स भी ऑफ़र किए गए हैं, काफ़ी अच्छा एंगुलर डिज़ाइन है एंड ऑफकोर्स रोड प्रेजेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी बेहतरीन है। ड्यूल टोन मशीन अलॉयज़ का इस्तेमाल किया है MG ने ऑन द Hector Plus, जो कि ओवरऑल स्टांस गाड़ी का काफ़ी बेहतरीन बनाता है और काफ़ी रोड प्रेजेंस वाइज ये गाड़ी मस्कुलर लगती है और किसी के भी रेयर व्यू मिरर में दिखेगी तो लगेगा कि हाँ पीछे से एक दमदार SUV आ रही है। देर इज़ नो डाउट कि Hector Plus मॉडर्न ज़माने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग है, पर अपनी छोटी बहन Hector की तरह इसमें भी जो टायर साइज़ है थोड़ा सा छोटा देखने को लगता है और लगता है कहीं कुछ मिसिंग है। थोड़े बड़े टायर्स होते हैं इसमें तो शायद और मज़ा आता है, क्योंकि प्लस साइज़ है तो थोड़े बड़े टायर्स तो दे सकती थी MG, बट नंदलेस अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखने में अलॉयज़ इसके काफ़ी बेहतरीन है, पर टायर साइज़ थोड़ा बड़ा होता मज़ा आता। रेयर डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो Hector Plus में आपको काफ़ी रिजेंबलेंस देखने को मिलेगी Hector के साथ, पर यहाँ पे जो एक मेजर चेंज है वो है इसकी बैजिंग में। ऑफकोर्स Hector के नीचे एक बहुत बड़ा प्लस का बैजिंग देखने को मिलता है एंड जो इसके रेयर LED टेल लैम्प्स है उसका भी डिज़ाइन चेंज किया है MG ने यहाँ पे। इसका जो इंडिकेटर मैकेनिज्म है वो भी अलग है दैन वॉट यू गेट ऑन द MG Hector। यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी खास है और नोटवर्दी है, वो ये है कि रेयर के बम्पर में आपको ऐसे ड्यूल एग्जॉस्ट मैकेनिज्म टाइप देखने को मिलेगा, पर वो सिर्फ एस्थेटिक वैल्यू के लिए दिया गया है, असलियत में एक ही एग्जॉस्ट है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। बट ओवरऑल एस्थेटिकली पीछे से काफ़ी प्लीजिंग दिखती है MG Hector Plus। और इससे पहले हम आपको बताएं कि चलाने में Hector Plus कैसी है, आपको ये बताते हैं कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर Hector Plus का वर्सेस द Hector है उसका ये स्टारी स्काई ब्लू कलर, जो कि सिर्फ आपको Hector Plus में देखने को मिलेगा। एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चलाने में कैसी है MG की Hector Plus। पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो MG Hector Plus जो है 3 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल होगी, एक पेट्रोल मोटर होगी, एक पेट्रोल हाइब्रिड मोटर होगी और एक डीजल मोटर होगी। जो पेट्रोल मोटर हम यहाँ पे चला रहे हैं वो एक 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंटरकूल्ड इंजन है, जो कि आपको एक 1451 cc की डिस्प्लेसमेंट देता है, 143 हॉर्स पावर ऑफर करता है और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है और साथ में मिलता है एक DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। जो इसका गैसोलीन हाइब्रिड इंजन है, पेट्रोल हाइब्रिड इंजन, वो भी एक 1.5 लीटर का इंजन है जिसमें सेम पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स हैं, पर वो एक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, एक 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। पर जो इसका डीजल इंजन है वो एक 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो आपको 170 हॉर्सेस देता है एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑफर करता है विद अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो गाड़ी का वेरिएंट हम इस टेस्ट ड्राइव रिव्यू पे चला रहे हैं वो एक 1.5 लीटर पेट्रोल मोटर के साथ आता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है एक ऑटोमेटिक डीसीटी ट्रांसमिशन, काफ़ी स्मूथ गियर शिफ्ट देखने को मिलते हैं इस ट्रांसमिशन में, कोई भी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। पर जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो थोड़ा सा इंजन नॉइज बढ़ जाता है कैबिन के अंदर, थोड़ा इंजन ज़्यादा गैसोलीन चर्न आउट करता है एंड आपको वो पार एंड परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है जो कि मिलती भी आपको इस गाड़ी में। सस्पेंशन की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है इस गाड़ी में, कोई भी चाहे छोटे मोटे गड्ढे हों या बड़े गड्ढे भी हों वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको कि आपको बहुत झटके लग रहे हैं गाड़ी के अंदर। इनफैक्ट सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ऑन द MG Hector Plus यहाँ पे। एंड ओवरऑल अगर ड्राइव कन्वीनियंस की बात की जाए या ओवरऑल यू नो कैबिन एक्सपीरियंस की बात की जाए या फिर हायर सीटिंग पोजीशन की बात की जाए तो MG Hector Plus एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ऑफरिंग है बाय मॉरिस गराजर। तो ओवरऑल कैसी लगी हमें MG की Hector Plus? वेल, ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है दैन द MG Hector एंड काफ़ी सारे फीचर्स भी इसमें अलग दिए गए हैं, डिज़ाइन लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट है इस गाड़ी की। एंड ऑफ कोर्स कैप्टन सीट्स ढूंढने वालों के लिए ये गाड़ी एक काफ़ी फ़ायदे का सौदा रहेगी हमारे मुताबिक। हमें तो काफ़ी अच्छी लगी ये गाड़ी अपनी फर्स्ट ड्राइव में, पूरा रिव्यू भी हम लेके आएंगे आपके लिए ऑन जागरण हाईटेक। बट अभी के लिए अगर हम Hector Plus की बात करें तो एक बिग थम्स अप देते हैं हम इसे अपने चैनल पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑफ कोर्स उन सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें जो MG Hector Plus का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।